पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। कौन है तू? जहां पहुंच गया वहीं रह, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अंतिम के नए गाने पर कैसा रहा दर्शकों का रिएक्शन? अंतिम का रिलीज डेट एक बार फिर क्यों हुआ पोस्टपोन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म अंतिम से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर अंतिम द फाइनल ट्रूथ के दूसरे सॉन्ग भाई का बर्थडे का टीजर लॉन्च हो चुका है। सलमान खान और आयुष शर्मा ने स्टेजर पर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। इसे शेयर करते हुए सलमान खान ने बताया कि ये गाना 1 नवंबर को लॉन्च होगा। भाई का बर्थडे का टीजर दमदार नजर आ रहा है। गाने को फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे आयुष शर्मा पर फिल्माया गया है। हाल ही में रिलीज किया गया सॉन्ग विघ्नहर्ता की सक्सेस के बाद फिल्म मेकर्स भाई का बर्थडे के साथ फिर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। गाने में वह एक गैंग के लीडर का जन्मदिन मना रहे हैं। आयुष इसमें जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष के देसी डांस मूव्स के साथ गैंग लीडर का बर्थडे देसी अंदाज में मनाया जा रहा है। भाई का बर्थडे गाने के बीच सलमान की दमदार झलक देखने को मिलती है। वह काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। गाने को कोरियोग्राफ किया है मुद्दसर ने। गाने के विजुअल्स भी काफी खूबसूरत लग रहे हैं, जो निसंदेह फैंस के लिए एक ट्रीट होगी। म्यूजिक बहुत आकर्षक है और गाना यकीनन पूरे देश में सेलिब्रेट होने वाले बर्थडे पार्टीज में शान बनने के लिए तैयार है। गाने के रिलीज होने पर आयुष जयपुर राजमंदिर सिंगल स्क्रीन थिएटर का दौर करेंगे, जो भारत के सबसे बड़े सिंगल स्क्रीन थिएटर में से एक है। आयुष यहाँ उन सभी फैंस से मिलेंगे जिनका जन्मदिन नवंबर में आता है। वहीं दोस्तों, आपको एक साथ बुरी और अच्छी खबर भी बता देते हैं। अगर आपको याद है तो 2019 में सलमान ने ईद के लिए संजय लीला भंसाली के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी। हालांकि रोहित शेट्टी के कॉप ड्रामा ने पहले ही तारीख बुक कर ली थी। बाद में सलमान ने शेट्टी से अपनी फिल्म के लिए ईद छोड़ने का अनुरोध भी किया था, जिसे शेट्टी ने इनायत से स्वीकार कर लिया था। अब भाईजान ने एहसान वापस कर लिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान अंतिम के लिए दिवाली रिलीज की तलाश में थे। हालांकि रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी के लिए पहले ही स्लॉट बुक कर लिया था। जब रोहित शेट्टी को सलमान की दिवाली रिलीज की योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने खान के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने अनुरोध किया कि अक्षय कुमार की बड़े बजट वाली फिल्म को देखते हुए टकराव से बचे और एक अच्छा इशारा देखते हुए सलमान ने एक और तारीख के साथ अपने फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अभी तक फिल्म अंतिम के नए डेट की घोषणा नहीं हुई है। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। टाटा बाय, टेक केयर।